नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस चर्चा में मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल जब से यह तय हो गया है कि तय समय पे यानी कि इस साल के आखिरी में झारखंड में चुनाव होना है, तब से जो है दो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इंडिया अलायंस यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, और दूसरा जो नाम है वो भी हेमंत से मिला जुला हुआ ही है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं। आए दिन चाहे हेमंता झारखंड में हों, असम में हों या फिर दिल्ली में हों, लेकिन उनकी चर्चा झारखंड की राजनीति में होते रहती है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब से झारखंड बीजेपी का चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है, तब से झारखंड की राजनीति में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। झारखंड बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप है, अगर उनके तरफ अगर आप देखेंगे और सही से मूल्यांकन करेंगे, तो एक तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो है उन सबको जो है पीछे छोड़ दिया है और वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं। कई सारी वजहें हैं, जैसा कि वो चंपई सोरेन को लेकर के खुले तौर पे उन्होंने बोल दिया कि वो छः महीना से संपर्क में थे। उत्पाद विभाग में जिस तरीके से जो दौड़ के कारण जो मौतें हुई है अब तक एक दर्जन से ज़्यादा, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर सरकार को जो है डिसीजन लेना पड़ा। दो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और देर शाम तक जो है हेमंत सोरेन की सरकार ने एक निर्णय लिया कि फिलहाल इसको स्थगित किया जाए। बीजेपी ने 1,00,000 रुपया देने का ऐलान भी किया। आज बाबूलाल मरांडी गए भी और मांझी में और जाकर के एक जो पीड़ित परिवार है उसको जो जाकर के उन्होंने पैसा भी सौंपा। दूसरे तरफ देखने को यह मिल रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी जो पीच तैयार कर रही है, दरअसल आप देखिए पूरे देश भर के चुनाव में जहाँ जहाँ चाहे वो स्टेट का चुनाव हो या फिर पूरे देश का चुनाव हो, बीजेपी की कोशिश यह रहती है कि वो अपने पीच पे दूसरे दलों को यानी कि विपक्ष को अपने पीच पर ला कर के खिलाए। और झारखंड में पहली दफ़ा एक सप्ताह पहले अगर आपको याद होगा तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने एक सभा में यह बात कही कि बीजेपी जो है झारखंड के मुसलमानों को बांग्लादेशी समझती है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके जरिए जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है और जिसको लेकर के हिंदुत्व को लेकर के जो बीजेपी आगे बढ़ती है, उस नैरेटिव पर भी जो है हेमंत सोरेन अब बयान देने लगे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि हिमंता बिस्वा शर्मा के वो पीच पर ही खेलने के लिए जो है विवश हो जा रहे हैं। आज बंधु तिर्की ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और आप देखिए कि आज एक मौका था जब हम लोग चर्चा कर सकते थे कि झारखंड भवन जो दिल्ली के कनॉट पैलेस में आज उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो है उस वक्त जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बकायदा इसका शिलान्यास किया था, लेकिन उद्घाटन ऐसे ही सरकारें ऐसे ही काम करती है। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है उसका उद्घाटन किया, लेकिन हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, कैप्शन आप देख पा रहे होंगे, चर्चा कर रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन से ज़्यादा चर्चा में हिमंता रह रहे हैं। बंधु तिर्की ने आज एक रांची में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि भाई 3 साल पहले जो है हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंधु तिर्की से संपर्क किया था, और संपर्क इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो गिर जाए। आप ये देखिए कि झारखंड में अगर रघुवर दास की सरकार को छोड़ दिया जाए, वो एकमात्र अपवाद सरकार उनकी रही जो लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास। हेमंत सोरेन भी बीच में जेल गए तो उनको चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे अस्थिरता जो है लगातार बनी रहती है। हेमंत सोरेन डेवन से बोल रहे हैं कि जब से मैंने शपथ लिया है दूसरे दिन से जो ही है भाजपा मेरी सरकार गिराने की कोशिश साजिशें जो है रच रही है।
और आज बंधु तिर्की ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भाई हिमंता बिस्वा सरमा जो है 3 साल पहले मुझसे संपर्क किए थे कि आप इस सरकार को यानी कि हेमंत सरकार को गिरा दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है इन बयानों के जरिए हिमंता बिस्वा सरमा अपनी एक्टिविटी के जरिए जो है झारखंड में काफ़ी जो है चर्चा में रह रहे हैं। एक और जो अंदर ही अंदर जो हिमंता बिस्वा सरमा जो काम कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी देर पहले मैं यह बोल रहा था कि झारखंड बीजेपी के लीडरशिप को भी जो है वो झारखंड में पीछे छोड़ करके वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि झारखंड में झारखंड के मुख्यमंत्री से ज़्यादा असम के मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हिमंता बिस्वा सरमा चुनावी रणनीति इस तरीके से बना रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे जा करके, माइक्रो लेवल पे ग्राउंड पे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या फिर अलग अलग जातीय समीकरण में जिनकी अपनी एक पैठ है वो लोग हैं, चाहे वो मीडिया के ही लोग क्यों नहीं हों, हर तरीके के वर्ग से जो है हिमंता सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। और प्रयास जो उनको जो टारगेट केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी की ने जो दी है उसकी दिशा में जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम लोग इसी पे चर्चा करने को मजबूर हैं। सबसे पहला सवाल पांडे जी से है, क्योंकि मनोज पांडे गए थे बंधु तिर्की के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने इंटरव्यू भी किया। पांडे जी, सवाल ये है कि 3 साल पहले जब उनसे हिमंता बिस्वा सरमा संपर्क करते हैं हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए, तो बंधु तिर्की जो उनका एक अपना कद है, इंडिविजुअल एक पहचान है पूरे राज्य भर में, आदिवासी नेता हैं, आदिवासियत की बात करते हैं, उस समय उन्होंने क्या निर्णय लिया? अगर आप ऐसा कोई सवाल आप पूछे तो उनका क्या जवाब रहा? उन्होंने कहा माई नेम इज बंधु तिर्की एंड यू आर टॉकिंग टू बंधु तिर्की, ये बोलकर काट दिया उन्होंने फोन। मतलब इसको वो हंसी मजाक में लिए और चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले वो इसको बोल रहे हैं? नहीं, उस समय भी उन्होंने कहा था, एक बार जब प्रकरण आया था इसमें, जब इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और ये तमाम लोग आए थे, तो इन्होंने पार्टी के अंदर कैमरे पे भी कहा था कि हाँ इस तरीके का संपर्क हमसे भी किया गया था। नाम का लेकिन खुलासा नहीं हुआ था। हाँ, तो नाम का खुलासा आज कर दिया उन्होंने, क्योंकि चुनाव है। इस वजह से मैंने पूछा भी कि क्यों आपने मामला क्यों नहीं दर्ज कराया था उस समय, बोला इस सब पे क्यों मामला मैं दर्ज कराऊंगा, मुझे जहां बताना था मैंने वहां बताया, नेता सामान्य तौर पे बात करते रहते हैं। लेकिन पांडे जी, आपको याद होगा और जो दर्शक लगातार झारखंड की राजनीति से वाकिफ रहते हैं उनको इतना तक मालूम है कि सरकार गिराने की साजिश में सब्जी वाले तक के ऊपर FIR हुआ। तो बंधु तिर्की जो सरकार का हिस्सा रहे हैं वो यह मानते हैं कि सब्जी वाला पे तो केस हो सकता है, लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा जैसा शख्सियत जो ऑफर दे रहा हो सरकार गिराने का, उस पे केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए, सामान्य तौर पे जब भी नेता आपस में बैठते हैं तो कई बार इस तरीके की बातें करते हैं, कई बार वो हंसी मजाक में चला जाता है और कई बार सीरियस नोट पर चला जाता है। इन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को बताया था या फिर पार्टी के अंदर बताया था या CMO में बताया था, वो बताकर चले जाते हैं। पॉलिटिकल लोग आमतौर पे केस करने से इस तरीके का बचते हैं। इसका भी उदाहरण कांग्रेस में ही है, तो बेरमो के जो विधायक हैं अनूप सिंह, राजेश ठाकुर जो अध्यक्ष थे, जो केस किया गया था पार्टी के तरफ से वो गलत था। बंधु तिर्की ने उस समय इस बात को कहा था जब अनूप सिंह ने मामला दर्ज कराया था 0 FIR कि ये गलत है। चोर कितना भी तैयारी रहे, आप अपना दरवाजा मजबूत रखिए, आप अपना ईमान ठीक रखिए और उसकी कोई भी ऑफर ठुकराइए। आपके दरवाजे पे कोई आकर के ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा हो और CCTV में कैद भी हो गया हो और उस पर FIR या फिर शिकायत नहीं करनी चाहिए, बंधु तिर्की ये बोल रहे हैं कि भाई आप ताला पे भरोसा रखिए, ये जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है और जो चीज़ें आपको दिख रही है कि कोई ताला तोड़ रहा है उस पर आप मत जाइए, आप छोड़ दीजिए पुलिस को, आपको कानून से कोई मतलब नहीं है, आपको जो है ताला पे भरोसा रखना चाहिए। वो कह उनका उस समय ये कहना था कि आज कोई चोर है कल कोई और चोर होगा, अगर आप ईमान के पक्के नहीं हुए तब तो फिर आप बिक जाएंगे, ईमान के पक्के रहिए, लोग आपको संपर्क करेंगे ही नहीं, या संपर्क करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी।
आज मैंने पूछा कि आपने FIR दर्ज क्यों नहीं कराया उस समय, उन्होंने कहा नहीं कराया, अब उनकी इच्छा नहीं हुई होगी FIR दर्ज कराने की। सनी, यही सवाल आपसे भी है कि ये जो, क्या आप चूंकि काफ़ी बारीकी से देखते समझते हैं चीज़ों को, ये जो हिमंता बिस्वा शर्मा, क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई में अपनी जो रणनीति है उनकी, और जिस तरीके से वो बयान देते हैं खुले तौर पे, आप देखिए कि चंपई सोरेन के ज्वाइनिंग से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिससे झारखंड बीजेपी के नेता भी जो असहज थे, अगर नाम लिया जाए तो बाबूलाल मरांडी का नाम आ रहा था कि वो चंपई सोरेन के ज्वाइनिंग से असहज हैं, एक दिन पहले अर्जुन मुंडा का बाकायदा बयान दिलाया गया, तो हिमंता क्या ये जो असहज जो लोग थे उनको सहज करने के लिए चंपई सोरेन को ज्वाइन कराने से पहले चंपई को एक तरीके से हल्का भी कर दिए उन्होंने अपने बयान से कि भाई वो तो 6 महीना से मेरे संपर्क में थे, इस तरीके के जो उनका जो ट्रिकी जो बयान रह रहा है इसको कैसे देखा जाना चाहिए, और हेमंत सोरेन और हिमंता बिस्वा शर्मा ये आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं, अब सामने से JMM के हेमंत और बीजेपी के हिमंता, बीच में कोई और दिखाई दे रहा है कि कोई लड़ रहा है? अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमंत और हिमंता वर्सेस ही झारखंड में ये लड़ाई हो गई है। हिमंता लड़ ही रहे हैं यहाँ के जो नेता हैं उनके लिए, लेकिन ये लड़ाई जो दिख रही है वो हेमंत वर्सेस हिमंता है। ये बिल्कुल क्लियर है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अस्पष्टवादी हैं, वो खुल के बोल रहे हैं जो देखने में आ रहा है, हो सकता है कि उसके पीछे बहुत सी बातें छुपी हो। अब रही बात जहाँ तक बंधु तिर्की की बात है, रही बात जहाँ तक चंपई सोरेन के बारे में, जिस तरह से उन्होंने उस दिन कहा था, उन्होंने यही कहा था कि चंपई सोरेन के संपर्क में हमेशा वो रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से लगातार रहे हैं। राजनीति पूरा जो है वो संभावनाओं का ही खेल है, और ये अभी इस, ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप इस पूरे देश की राजनीति को उठाकर देखिएगा तो ये तोड़फोड़ वाली राजनीति अभी बहुत एक्टिव है। और झारखंड में जिन दो बड़े नेताओं को लगाया गया है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंता बिस्वा शर्मा, इन दोनों के स्टेट को उठाकर आप देख लीजिएगा तो वहाँ आप देखिए कि विपक्ष की क्या स्थिति है, या तो विपक्ष सरेंडर कर दिया या विपक्ष है ही नहीं वाली स्थिति हो गई है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ बंधु तिर्की ने आज कहा ये ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले दिनों रामदास सोरेन, जिसे हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया चंपई सोरेन के बाद, मैं उनका जब इंटरव्यू कर रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सीता सोरेन को जब बीजेपी में शामिल कराने के लिए बीजेपी के नेता बैठकर बात कर रहे थे तो वहाँ मैं भी मौजूद था, मुझे भी बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा था, और सीता सोरेन को ये भी कहा गया था कि आप बीजेपी में आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो उदाहरण दे रहे थे और बता रहे थे कि इसी तरह चंपई सोरेन को भी कहा गया होगा। अब यहाँ पांडे जी से पूछ रहे थे कि अगर ऐसा था तो आप FIR दर्ज क्यों नहीं कराए, मैं ये सवाल रामदास सोरेन से भी मैंने पूछा, तो रामदास सोरेन ने कहा कि मैंने गुरुजी को जाकर बताया कि मुझे ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, सीता सोरेन से लोग संपर्क कर रहे हैं, पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तब पार्टी आलाकमान से ये आदेश हुआ कि आप धुरवा थाना में जाकर FIR दर्ज कराइए, तो मैंने उस समय FIR दर्ज भी कराया। मैंने ये भी पूछा कि आप बताइए कि कौन लोग थे, कौन थे जो आपसे बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, समय आने दीजिए, वो पत्ता भी मैं खोलूँगा, तो पत्ता अभी बचा के रखा गया है। मुझे लगता है कि देखिए अभी 2024 का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम है, खास करके इस हिसाब से कि झारखंड में कैसे वो सरकार बना ले, और यही वजह है कि सिर्फ यहाँ के नेता नहीं, यहाँ के नेता तो थोड़े पीछे भी हो गए हैं, बल्कि सेंट्रल फोर्स जो है वो ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है और पूरी ताकत लगाया हुआ है कि किसी तरह भी सरकार यहाँ पर बन जाए। इसके कई कारण हैं, कई तरह से चर्चाएं हो रहे हैं कि कई बड़े लोग जो है वो लगे हैं, क्योंकि इस बार हो सकता है कि सरकार नहीं बन पाए बीजेपी की, तो आने वाले कई चुनावों में जो है बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काम सिर्फ एक सेंटर पर फोकस करके नहीं हो रहा है, बल्कि एकदम बॉम्बार्डिंग हो रही है। अब देखिए कि हेमंत सोरेन एक तरफ सरकार चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है अभी जो छोड़ रहा है, जिसकी शिकायत जनता को, जिसकी शिकायत जो लोग आंदोलन करते थे उनको रहती थी कि बीजेपी के तरफ से उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। अब देखिए उत्पाद सिपाही में जो स्टूडेंट की मौत हुई वो एक ताज़ा उदाहरण है कि किस तरह बीजेपी के नेताओं ने उस मुद्दे के साथ जो है वो खड़े रहे। और उसमें एक और अच्छी बात ये निकल कर सामने आई कि ऐसा होता है कि मौत पर राजनीति शुरू हो जाती है, ये नेता मिल रहे हैं भले, अब तो चूंकि पॉलिटिशियन है तो कुछ भी करेंगे तो उसको पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाएगा,
लेकिन कल कितनी बड़ी बात हेमंता बिश्व शर्मा ने कही है और मुझे लगता है कि राजनीति करने वाले को उनसे सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग को ये लिखित रूप में दे दूंगा कि अगर चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाए तो ये 583 जो कैंडिडेट हैं उनको आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए, इसका क्रेडिट पूरा हेमंत सोरेन को ही जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप जान मत लीजिए, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन बोलकर वो एक तौर पे वो राजनीति ही कर रहे हैं, वो राजनीति ही है, लेकिन वो इतना कह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अब जिसे मैया योजना को लेकर ही जो सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी के तरफ से कोर्ट गया, वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में एफिडेविट करके बाबूलाल मरांडी लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि भाजपा के लोग नहीं गए हैं। और मैं ये मानता हूं कि मैया योजना का मैं भी सम्मान करता हूं और मैं इस योजना से बड़ी योजना जब मेरी सरकार आएगी तो लेकर आऊँगा। तो बहुत अस्पष्ट बोलने का भी कभी कभी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो अब इसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो फिर आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, वो तो सारा कुछ चुनाव परिणाम पे ही निर्भर करता है। लेकिन जो प्रसेप्शन बनाने की जो राजनीति है सनी, और जो आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, चाहे उत्पाद सिपाही की जो दौड़ में जो घटनाएं हो रही है काफ़ी दुखद है, और उस पर जो बीजेपी का अपना स्टैंड है, या फिर दूसरे मुद्दों पर, क्या आप और पांडे जी दोनों ये देख पा रहे हैं कि जो भूमिका में बीजेपी को पिछले 4.5 वर्षों से होनी चाहिए थी इस स्टेट में विपक्ष के तौर पे, उस भूमिका को हेमंता बिश्व शर्मा पिछला 1.5 महीनों में जो है उसको निभाना शुरू कर दिए हैं, और वो अग्रेसिव हो करके पॉलिटिकली बयान भी दे रहे हैं और मजबूर भी कर रहे हैं सरकार को अपनी तरफ बात करने के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4.5 साल अगर पीछे का इतिहास आप देखिएगा, जिस हिसाब से मुद्दे के साथ खड़े रहना चाहिए उस हिसाब से पार्टी के तरफ से नहीं हो पाया। आप उस आप देखिए युवा आक्रोश रैली के पीछे का कोई आंदोलन उठाकर देखिए बीजेपी का, तो सिर्फ एक आपको याद आएगा कि जब झारखंड विधानसभा में एक नवाज कच्छ बनाया गया था तो उसके बाद वो भी जनता से बहुत कनेक्टिंग मुद्दा नहीं था, वो एक जाति विशेष धर्म विशेष को लेकर जो है वो आक्रोश हुआ था जब दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष थे। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा कोई कार्यक्रम रांची में, हालांकि अलग पूरे राज्य में घूमे, छोटे छोटे पैकेटों में प्रोग्राम किए, ये हुआ, लेकिन उस हिसाब से एक आक्रोश जो कैपिटल में दिखना चाहिए वो नहीं देखने को मिला। लेकिन हाल के दिनों में ये एक मोशन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कैडर हैं लोग हैं उनमें जगी है कि अब लग रहा है कि कुछ बेहतर हो सकता है और उस हिसाब से स्पीड बढ़ी है। सवाल तो वही है पांडे जी, रिपीट सवाल ही है आपके साथ भी जो सनी से पूछा, लेकिन इसमें एक सवाल और मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि क्या ये इसलिए भी लग रहा है कि अब सामने चुनाव है, इसलिए लग रहा है कि विपक्ष काफ़ी अग्रेसिव मोड में है और उसका नेतृत्व करते हुए हेमंता दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद भी एक उत्साह तो पार्टी में जगी और वो पूरे राज्य में भी घूमे, लेकिन ये जो आक्रामकता दिख रहा है ये सामने चुनाव के कारण हम जैसे लोगों को भी दिखाई दे रहा है या फिर पब्लिक भी उस तरीके से ले रही है? देखिए पब्लिक का बहुत शॉर्ट मेमोरी होता है। बाबूलाल जब मरांडी बने प्रदेश अध्यक्ष तो बिजली और पानी को लेकर पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोजेक्ट बिल्डिंग का घेराव हुआ जिसमें लाठी चार्ज हुआ, केस कार्यक्रम तो बाबा हुआ। तो सवाल अब ये है कि चुनाव है तो कोई भी दल कोई भी 4 साल 4.5 साल कंटिन्यू इस तरीके से कार्यक्रम नहीं करता, अभी एग्रेसिवनेस ज्यादा दिखाई देना ही होता है पक्ष की ओर से। अगर आप याद कीजिएगा मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे तो भी उनका जो है 3 महीने पहले से ही कार्यक्रम दिखाई दिया कि धरना प्रदर्शन में जाना, संवाद करना, अनुबंध कर्मी से करना, वो ज़्यादा किए ताकि वो रिकॉल रहे और वो मैनिफेस्टो में जल हाँ पब्लिक के मैनिफेस्टो में और मतलब पब्लिक के याद में रहे। और मुद्दे कई हैं, बीजेपी ने सारे मुद्दे को कभी ना कभी उठाया, कभी छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे, अब कोई भी मुद्दा को वो स्लिप नहीं करना चाहती, अब हर मुद्दा को वो बड़ा करना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि चुनाव है, इस वजह से ये मुद्दा काम का रहेगा, इस वजह से उस मुद्दे को वो उठा रहे हैं। मतलब सामने चुनाव है और ये भी एक वजह है कि इतना अग्रेसिवनेस जो है, आक्रामकता जो है वो दिखाई पड़ने लगा है बीजेपी की तरफ से,
एक चीज जो भारी पड़ रहे हैं झारखंड बीजेपी पे वो हिमंता बिस्व शर्मा हैं, चाहे वो बयानों के जरिए हो या फिर वो जो अंडरग्राउंड तरीके से जिस तरीके से वो माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन सनी अब एक जो दूसरा पहलू है हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन का एक पहलू ये है कि वो झारखंडियत का जो एक जन भावना है वो दिखता है कि हेमंत सोरेन से उभरा हुआ है और लोकसभा चुनाव में उसका असर भी देखने को मिला। तो हेमंत सोरेन के पास हेमंता का क्या काट है? अगर हेमंत सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दा पे वो बयान देने लगते हैं, उनके ट्विटर पे अब जो एक्स हो गया है उस पे पोस्ट आता है, तो हेमंता और बीजेपी तो ये लोग तो चाह रहे हैं कि भाई आप बांग्लादेशी पे आकर के बात कीजिए। तो ऐसे ऐसे मुद्दों पे अगर हेमंत सोरेन लौटे हैं तो क्या वो डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर आप या हम जो बीच में रह करके दोनों तरफ से जो चीजों को देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन के पास क्या विकल्प है और वो इसको कैसे काट रहे हैं? क्या सिर्फ मैया सम्मान योजना के जरिए ही सब कुछ हो सकता है या फिर कोई और इनके पास जो है विकल्प है, कुछ प्लान चल रहा है इन लोगों का? मुझे लगता है कि मैया सम्मान योजना अभी सरकार की एक ऐसी योजना है जिसे सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा चुनाव में जरूर होगा। आप जिस हिसाब से 40,000-50,000 प्रत्येक परिवार जोड़कर सरकार बता रही है कि अगर कोई वृद्ध है माता पिता तो 2,000 उनका, और तीन अगर बच्चियां हैं घर में बहू जोड़कर भी तो फिर 3,000 इनका, मतलब 5,000 रुपया महीना और 12×5=60,000 रुपये सालाना। तो एक परिवार को इस हिसाब से सशक्त जो है कर रही है सरकार, ये एक्सेप्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं जो वादे करके आए थे रोजगार के मसले पर वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन परिवार को कैसे सुदृढ़ किया जाए उस हिसाब से सरकार ने काम किया है। आप देखिए कि उसके बाद अभी चौथी बार ये सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो है ये आयोजन हुआ है और इस आयोजन में जो है किस तरह से लाभुकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी आप देखिए कि राज्य भर के जो मुखिया हैं जो पंचायत लेवल पर चाहे वो मैया योजना हो चाहे वो सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हो, वो पांच सूत्री कार्यक्रम को के मांग को लेकर राजभवन के पास पिछले 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। अब तक उनसे कोई वार्ता नहीं हो पाई है, तो इस हिसाब से तो वहाँ सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान या फिर डैमेज हो सकता है। लेकिन सरकार जो भी मुद्दा बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है या फिर सरकार जिसे सोच रही है कि वो उसका पॉजिटिव है उस पर किस तरह से बीजेपी को घेरा जाए इस रणनीति पर काम कर रही है। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि मैया योजना जिस स्पीड से सरकार ने काम किया, एक व्यक्ति जो PIL जाकर दर्ज किया बिल्कुल राजीव कुमार अधिवक्ता के माध्यम से साहू जी जो सिमडेगा के रहने वाले हैं, तो उसके बाद अब पूरे स्टेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से और महिलाओं के तरफ से ये विरोध प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है कि बीजेपी इसे रोक रही है। और यही वजह है कि हेमंता बिस्व शर्मा को इस पर बैक आकर बोलना पड़ रहा है कि हम इसके विरोध में नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि इस योजना में अगर कुछ हम बोले या रोकवा दें तो इसका नुकसान हो जाएगा, और यही वजह है कि वो बोल रहे हैं कि हम इससे बेहतर योजना लेकर आएंगे। तो ये इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस मैया योजना का काट तो फिलहाल उनके पास नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल था सनी, और आपने काफ़ी जो जवाब दिया और PIL से जो जोड़ करके, तो एक तरीके से एक तरफ तो मैया योजना का लाभ दिखा रही है सरकार, हेमंत सोरेन दिखा रहे हैं कि देखिए भाई कैसे मैं दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो ये दिखा रहे हैं भले ही वो PIL किस नियत से किया गया है ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन राजीव कुमार वो शख्स हैं, पहले राजीव कुमार जो PIL करता के जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार में ही जो है कोलकाता में पैसे लेने के मामले में वो जेल भी गए, और NTJMM के तौर पे जो है एक वक्त था कि वो JMM के साथ भी थे, अब NTJMM उनका अपना एक परिचय है, तो इसको भी भुनाने की कोशिश हो रही है। तो देखिए कि हेमंता बिस्व शर्मा को बयान देना पड़ रहा है, और सनी ठीक बोल रहे हैं कि PIL करता भले ही किस नियत से या फिर किसके इशारे पे वो उसने PIL किया, लेकिन इसको JMM और हेमंत सोरेन भुनाने में सफल साबित हो रहे हैं। अब बिल्कुल सफल हो रहे हैं, और यही वजह है कि ये देखिए ये रेगुलर कंटिन्यू प्रोग्राम हो रहा है,
किसी न किसी ब्लॉक में, जिला में वो प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है, एक मैसेज ये स्प्रेड करने की कोशिश हो रही है, और ये इससे महिलाएं तुरंत आसानी से कन्विंस भी हो जा रही हैं कि भाई, क्योंकि बहुत पैसा तो चला गया, 40 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के खाते में पैसे चले गए हैं। अब जिसको 1,000 मिल गया, अब इंतजार है कि फिर अगले 15 तारीख को जो है पैसा उनके खाते में आना है, तो उनको तो लगेगा कि कोई पैसा रोक रहा है, तो उसके खिलाफ वो खड़ी हो जाएंगी। आज और आज ही एक रिपोर्ट आई महागामा से, जिसमें महिलाएं उतरी हुई हैं और वो नारेबाजी कर रही हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये सब कार्यक्रम भी प्रायोजित होगा किसी न किसी पार्टी के तरफ से, लेकिन अगर ये मैसेज अगर चला जाए कि भाई कोई है जो चाहता है कि महिलाओं को पैसा नहीं मिले और उसको बीजेपी से अटैच कर दिया जाए, जो कि जेएमएम और इंडिया अलायंस के लोग अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सारी लड़ाई परसेप्शन की है, तो ये तो बीजेपी के लिए और हेमंता का जो लगातार प्रयास है उस पर तो हेमंत भारी पड़ जाएंगे फिर। बिल्कुल, फिलहाल तो यही दिख रहा है, और यही वजह है कि इसके बचाव में हेमंता बिस्व शर्मा इतनी साफगोई से बोल दिए कि भाई मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट नहीं गया है, मैं एफिडेविट में लिख कर भी बाबूलाल मरांडी देने के लिए तैयार हैं, मैं आऊँगा, मतलब मेरी सरकार जब आएगी तो। कैसे तय कर सकते हैं कि वो जो PIL करने वाला है वो बीजेपी का है कि नहीं है? अब तो मिस्ड कॉल से ये हो जाता है। तो मिस्ड कॉल नहीं मारा होगा ये, इसलिए ये कन्फर्म होंगे, लेकिन JMM के जो लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी कुछ ऐसे लोगों को रखती है। आप देखिए कि आज नौकरी वाले मुद्दे पर आपको याद होगा, बंधुत इसी मसले पर बंधु तिर्की भी आज बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मेरे ही केस में इसी तरह हुआ, उन्होंने किसी का नाम लिया कि कौन व्यक्ति या किसका नाम ले रहे थे, मुझ पर जो है उन्होंने केस किया और किस तरह से बीजेपी का ही बैक सपोर्ट था, तो ये एक इधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरा सवाल अब ये है पांडे जी कि एक तो दो तीन तरीके से मतलब हमलावर है बीजेपी, एक जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यानी कि हेमंत सोरेन जहाँ पे विफल रहे हैं अपने वादों को लेकर के, और दूसरा कि बीजेपी को जो JMM को जो है जहाँ से जो भी नेता को तोड़ा जा सकता है बड़े चेहरों को, चंपाई लोबिन अब एक उदाहरण है, लोबिन तो खैर पहले निकाल दिए गए थे तो उनके पास विकल्प नहीं था, चंपाई एक उदाहरण है, बंधु खुद बोल रहे हैं कि मुझसे संपर्क किया गया, तो ये जो तोड़फोड़ की जो राजनीति है और जिस तरीके से हेमंता अटैक कर रहे हैं हेमंत सोरेन पे, इंडिया अलायंस पे, हेमंत सोरेन क्या खुद को संभाल पाएंगे? चंपाई चले गए, कोल्हान से इतने बड़े नाम, संथाल से लोबिन हेम्ब्रम चले गए, अगर आगे कोई और बड़ा चेहरा, जाहिर सी बात है कि जब बंधु बोल रहे हैं तो इतने ही लोग नहीं होंगे, और भी कई लोग होंगे जिनके जिनके संपर्क में होंगे हेमंता बिस्व शर्मा, या फिर संपर्क बनाने की कोशिश में होंगे, कांग्रेस के भी कुछ लोगों से होंगे संपर्क में, जो कि खबरें भी चलते रहती है, हम लोगों के पास भी इनपुट्स आते रहती है, तो इसको क्या वो संभाल पाएंगे, अकेले हेमंत लड़ पाएंगे दो तरफा जो हमला हो रहा है? हेमंत अकेले नहीं है, कांग्रेस और RJD उनके साथ है। नहीं, वो तो आजसू भी है बीजेपी के साथ, हेमंता वर्सेस हेमंत की हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास एक अपनी पार्टी है, हेमंता की लिमिट है, वो बीजेपी में किस हद तक जा सकते हैं वो पहले पैरामीटर तय कर दिया जाता है। लेकिन हेमंता का जो कार्यशैली है झारखंड में वो तो लग रहा है कि वो बियॉन्ड द लिमिट है। क्यों, एक सवाल से उनकी कितनी गहराई है पता चल जाएगा, आप कभी उनसे पूछ लीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उनको पता है लिमिट उनका, लेकिन हेमंत सोरेन के पास कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस हैं, तो जो लिमिटलेस है वो पावर भी ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उनके ताबड़तोड़ हमले से ये बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे या बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे नजर आएंगे, ऐसा नहीं है। JMM अपने आप में सिंबल एक बड़ा है, जैसे राम कहते हैं ना, राम से बड़ा है राम का नाम, तो JMM अपने आप में एक बहुत बड़ा है सिंबल, हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा सिंबल कारगर है उन क्षेत्रों में जहाँ पे उनके वोटर हैं, जहाँ उनका गढ़ कहा जाता है, वहाँ सिंबल के खिलाफ जाके किसी को मना के वोट ले लेना इतना आसान नहीं दिखा, अब तक ऐसा नहीं दिखा। हाँ,
लेकिन एक विकल्प और है बीजेपी के पास कि क्या उस गढ़ को जितना चाह के मतलब तोड़फोड़ अगर निस्तेनाबूत नहीं कर पाए तो कुछ कोना झरका के या कुछ करके भी सरकार बन सकती है क्या? तो है जवाब है हाँ। तो बीजेपी क्योंकि 2019 में मात्र 2 लाख वोटों का ही डिफरेंस रहा, उससे नहीं, आप उसके पहले भी जाके देखिए 14 में जब बीजेपी और आसू जब साथ थी तब भी उन लोगों ने सरकार बनाया, नेक टू नेक बनाया। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप देखिए कि एक के पास पूरा फुल लोगों का 100% संख्या है और एक के पास। बीजेपी अगर 50 लाख वोट अकेले लाई और तीनों गठबंधन के साथी मिलकर मात्र 52 लाख लाए, लेकिन सीटों की संख्या कितनी अलग हो गई। इस वजह से अब हर एक छोटे चीज़ों पर जहां बीजेपी आप देखे होंगे सामान्य तौर पे ध्यान नहीं दिया करती थी या जानबूझ के, आपको ताज़ा उदाहरण याद होगा, मधुपुर में एक एबीवीपी का कार्यकर्ता लड़ रहा था चुनाव, उस समाज का वहां वोट भी था और उसी समाज और लेकिन बीजेपी ने उसको कोई घास नहीं दिया। अब उन छोटे छोटे चीज़ों पर भी बीजेपी माइन्यूटली वॉच कर रही है कि अगर कोई हमको 500 का भी नुकसान करता है वोट का तो हम उसको मना के रखेंगे, और अगर दूसरे तरफ 500 का भी कोई नुकसान करने वाला तो उसको है तो फुला के रखेंगे, उसको फुला करके रखें। तो रणनीति यही है हिमंता बिस्वा सरमा की। लाइव काफ़ी अब लंबा होते जा रहा है तो अब इसको समाप्त करेंगे। चर्चा में हिमंता हैं, ज़्यादा हैं, और ये बोलने के पीछे का आधार ये है कि आसाम से चल करके झारखंड में आकर के अगर कोई व्यक्ति इतना चर्चा में है तो जाहिर सी बात है कि इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन चर्चा में हिमंता जरूर हैं, लेकिन हेमंत अब भी कमज़ोर नहीं हैं, भारी ही हैं। जाहिर सी बात है कि वो सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी भी इसे बखूबी समझ रही है। इसलिए प्रयास क्या है, प्रयास ये है कि जो हेमंत सोरेन के जो ताकत हैं, जो पहले चंपई सोरेन को आप देख लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम को देख लीजिए, या फिर और जो दूसरे बड़े नेता बंधु तिर्की को आप देख लीजिए कि बंधु तिर्की का कद कितना बड़ा है झारखंड में। उनकी पहचान कांग्रेस के नेता के तौर पे सिर्फ नहीं है, वो आदिवासी नेता के तौर पे पूरे झारखंड में जाने जाते हैं चाहे वो किसी भी दल में रहें। और ऐसे में वो व्यक्ति भी यह दावा कर रहा है खुले तौर पर कैमरा पर नाम लेकर के कि हिमंता बिस्वा सरमा उनसे संपर्क में थे। तो आप यकीन मानिए कि हिमंता बिस्वा सरमा सिर्फ चंपई, लोबिन और बंधु तक सीमित नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि कई और नेता जो दूसरे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि कांग्रेस के हों या राजद के हों, इन तमाम लोगों के तक संपर्क साधने की कोशिश में होंगे या फिर संपर्क में होंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएगा, हिमंता का जो अपना स्टाइल है, जो ऐसा कि सनी बता रहे थे शिवराज सिंह चौहान का जैसा स्टाइल है, वो स्टाइल जो है झारखंड में झारखंड बीजेपी अपनाती हुई नज़र आएगी। हेमंत सोरेन भी अपने तरीके से संभलते हुए नज़र आएंगे। आप आज देख पा रहे होंगे फॉलोअप झारखंड के जरिए कि झारखंड भवन